ये रायबरेली के मिल थाना इलाके का मैनूपुर गांव है। इस गांव में धूल उड़ाता गाड़ियों का काफिला पहुंचा तो हर कोई ये देखने और जानने के लिए उमड़ पड़ा कि इतने लंबे गाड़ियों के काफिले के साथ वो भी वोटिंग के दिन उनके गांव में कौन आ गया। जब कार से राहुल गांधी बाहर निकले तो गांव वालों का हुजूम उमड़ पड़ा। दरअसल रायबरेली के मिल थाना इलाके के मैनूपुर गांव के लोगों ने रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा बुलंद कर मतदान के बहिष्कार का ऐलान कर रखा था। ये खबर राहुल गांधी तक पहुंची तो वो अपने नाराज वोटर्स को मनाने मैनूपुर गांव पहुंच गए। इस दौरान ग्रामीणों को राहुल ने मनाने की कोशिश की, जिसके बाद ग्रामीणों ने उनके साथ सेल्फी भी खिंचवाई। राहुल गांधी ने ग्रामीणों को रोड बनवाने का आश्वासन दिया। राहुल गांधी के आश्वासन के बाद आधे से ज्यादा ग्रामीणों ने अपने मत का प्रयोग करना शुरू कर दिया, जबकि आधे लोग ऐसे थे जो उस वक्त तक इस बात पर अड़े रहे कि जब तक उनकी समस्या का निदान नहीं हो जाता वो वोट नहीं करेंगे। बहरहाल इस दौरान राहुल गांधी के सामने ग्रामीणों ने जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे लगाए तो राहुल गांधी हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए निकल गए। इसी मैनूपुर गांव में राहुल गांधी से पहले बीजेपी उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह भी नाराज ग्रामीणों को मनाने पहुंचे थे। हालांकि दिनेश प्रताप सिंह के लाख समझाने के बाद भी ग्रामीण वोट न करने के फैसले पर ही अडिग रहे। दिनेश प्रताप ने हाथ जोड़कर कहा, मैं आपकी समस्या को सुलझाने आया था, लेकिन अगर आप लोग नहीं मान रहे तो जो आपकी मर्जी हो फिर वही करें, बाकी आपकी इच्छा, आप जो अच्छा समझो करो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।